हैदराबाद में हत्यारे की गिरफ्तारी के प्रयास में दबिश देने गई पुलिस पर आरोप की पत्नी ने मारपीट भाग करने का घर में तोड़फोड़ करने का लगाया आरोप। 15,000 का इनामी बदमाश जिस पर पुलिस द्वारा इनाम घोषित है, जिस पर 7 मामले दर्ज हैं। कल देर रात पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उसके घर दबिश देने गई, जिसके चलते पुलिस के ऊपर यह आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी भी मारपीट की घटना से मना कर रहे हैं। थाना बरसेना में पुलिस के ने आरोपी सुखवीर के घर उसकी गिरफ्तारी को लेकर दबिश दी थी, लेकिन पुलिस को आरोपी नहीं मिला। आरोप है कि आरोपी की पत्नी सुनीता ने पुलिस को सादा वर्दी में देख चोर समझा, पुलिस पर घर में तोड़फोड़ करने का भी आरोप लगाया है। गौरतलब है कि आरोपी सुखवीर पर हत्या और चोरी के कई 7 मामले दर्ज है, जिस पर पुलिस ने दबिश दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्ष न्यूज, फिरोजाबाद। क्या मामला था, किस बात को लेकर आप यहाँ पर आए? मेरे ग्राम पंचायत आकलाबाद हसनपुर में एक बहुत पुराना गैंग चला आ रहा है बदमाशों का। एक सुखवीर सिंह, एक नीरज नेताजी हैं, सपा नेता बनते हैं अपने को नीरज यादव, जो अपराधी हैं, स्मैक वगैरह बेचते थे, पहले जेल भी गए और कई एक मुकदमे हैं इन पर। इन्हीं के परिवार का एक सुखवीर यादव है जो थाने मठसेना का सीटर है, जितेंद्र यादव है। इनके भाई इनकाउंटर में सन 2000 में थाना नारखी में 3 लोग मुठभेड़ में अलपुरा के इन्हीं के परिवार के मारे गए थे लूट करते समय, और ये भी लुटेरे हैं। ये कई लूटों में आगरा से जेल गए हैं और आगरा में कई बार इन्होंने गोली, पेशेवर अपराधी हैं, इन्होंने गोली भी मारी, जिसमें सुखवीर वगैरह आदि की सजा भी हो चुकी है न्यायालय से। तो ये हमेशा अपराधियों के संपर्क में रहते हैं और ये गैंग चलता है, इन पर गैंगस्टर वगैरह भी लग चुके हैं, बहुत अपराधी हैं ये। और नीरज यादव जो सपा नेता अपने को बनते हैं, इनका यही काम है कि अपराधियों का सहयोग करना, अपराधियों की चोरी की गाड़ियां बिकवाना, अपराधियों की सिफारिश करना, और ये खुद भी अपराधी हैं। पुलिस ने कल सुखवीर यादव नाम के व्यक्ति को पकड़ लिया था, जिसने मेरे ऊपर इन लोगों ने हमला किया था तारीख 17/2/2018 को जानलेवा एक योजनाबंद तरीके से, जिसमें मैं बच गया बाल बाल, हॉस्पिटल में भर्ती रहा काफी दिन, उसमें इनके पारंट चल रहे थे। इस संबंध में मैंने उच्च अधिकारियों से शिकायत की इनको गिरफ्तार कराने के लिए, तो कल सुखवीर यादव को पकड़ लिया है। सुखवीर यादव को पकड़ लिया तो ये पुलिस के खिलाफ बौखला करके इसी तरीके से बयान देते हैं। एक हमारे गांव में झूला छाप डॉक्टर है हीरा लाल, वो फर्जी चोटे बना देता है, और फर्जी चोटे बना करके, और इसकी भी पहले CMO साहब से शिकायत की गई है, उसमें दोषी है ये, तो ये फर्जी चोटे बना करके और पुलिस को ये दिखाते हैं कि अब जैसे पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने मारा है, जबकि पुलिस ने ऐसी कोई वारदात नहीं की। और ये बहुत पूरा परिवार अपराधी है, जितेंद्र के भी खिलाफ कई हत्या और उनके मुकदमा है, सुखवीर पे तो दर्जनों, 2 दर्जन के लगभग मुकदमे। क्या मामला हुआ है, किस बात को लेकर आप? मैं इसलिए आया हूँ कि ये जो पुलिस पे जो आरोप लगा रहे हैं ये बिल्कुल झूठा लगा रहे हैं। पूरा गांव ने बड़ी राहत की सांस ली है, इनका गांव में क्षेत्र में बहुत बड़ा आतंक है और आतंक की वजह से जनता इनके सामने मुंह खोलना नहीं चाहती। तो पुलिस के प्रति जो इन्होंने जो इंजाम लगाया है बिल्कुल सरासर गलत है और पूरा गांव कहने को तैयार है। और ये एक योजनाबंद तरीके से इसी तरीके से ये आरोप लगा करके और ये बचना चाहते हैं। पुलिस ने बिल्कुल सही कार्रवाई की है, इस कार्रवाई से मैं भी संतुष्ट हूँ और गांव की जनता भी, क्षेत्र की जनता भी संतुष्ट है। क्या अभी भी पुलिस के हिरासत में या जेल भेज दिए हुए? ये शायद पुलिस ने जेल भेज दिया, उसको वारंट था उसका तो। अच्छा। औरों के भी वारंट है, 5 महीने से फरार चल रहे थे ये लोग। तो पुलिस पर आपका कहना मतलब ये है पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं वो लोग? ये बिल्कुल गलत आरोप लगा रहे हैं, ये इसी तरीके से लगाते हैं। इनका एक ग्रुप है, गैंग है ये, इसी तरीके से हलपुरा के अंदर कई एक हिस्ट्री चीटर है, कई एक बदमाश है जिन्होंने पुलिस सिपाहियों तक की हत्या कर दी है, और ये एक योजनाबंद तरीका से इसी तरीके से अपराधियों के परिवार के लोग इकट्ठे होकर के ट्रैक्टर में भर करके मुख्यालय जाकर के उच्च अधिकारियों को झूठी शिकायत करके गुमराह करते रहते हैं। आपको बताएं, जबकि इन्होंने कई बार पुलिस वालों की भी हत्या कर दी है अपराधियों ने, तो वहाँ अपराधी किस्म के लोग ज्यादा है। दुर्गेश नाम का बदमाश भी वहीं रहता था जिसका साथी पकड़ा, वहीं पकड़ा गया, इनकाउंटर हुआ, और ये धीरज यादव उसी के साथ रहता था, ये उसका नाम लेकर के चौथ वसूली भी मांगता था। तो जो अभी इस समय SP ग्रामीण है जो फिरोजाबाद में इसके सिटी थे, तो उन्होंने इसको इनको पकड़ा था, नीरज यादव को और इनके साथी सोनू को, जिसमें ये जेल भी गए थे, इसमें बेचने में ये पकड़े गए, उसमें भी जेल गए। मोटरसाइकिल चोरी की बिकवाना इनको हरियाणा, कई एक जगह की, दूसरे प्रदेशों की पुलिस तक पकड़ के ले गई है इनको। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ जो पुलिस ने कार्रवाई की है उसमें पुलिस की प्रशंसा।
व्यवस्था करनी चाहिए और सराहनीय काम है, क्योंकि अपराधियों पर शिकंजा कसना चाहिए और शासन का भी यही मनसा है कि अपराधी जेल जाना चाहिए।